फ्लेवरफुल ब्रोकली राइस डाइटिशियन की नेक्स्ट रेसिपी केवल 10 मिनट में आपसे बना सकते हैं। रेसिपी नई, टेस्ट नया और ब्रोकली के आप फायदे जानते ही हैं, तो हेल्थ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और इन्जॉय कीजिए नए तरह की राइस का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए एक मीडियम साइज की ब्रोकली। इसको हम डंठल को कट कर लेंगे हाथों से और चाकू के द्वारा इसको हमें छोटे पीसेस में कट करना है। ब्रोकली में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशंस और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि फायदा करते हैं हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, हार्ट को हेल्दी बनाने में, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और ब्लड शुगर को स्टेबल करने में। इसके अलावा ढेर सारे फायदे हैं हमारी हेल्थ के लिए, तो ब्रोकली को हमें अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ब्रोकली को पीसेस में कट कर लिया है, आप इसको एक तरफ रख दीजिए, वॉश कर लीजिए। और एक चम्मच हम डालेंगे एक पैन में ऑयल और उसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच चॉप किया हुआ गार्लिक, थोड़ा सा डालेंगे अदरक, एक डालेंगे इसमें रेड पेपरिका। तो रेड पेपरिका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देती है राइस में। अब इनको सौते कर लेना है थोड़ा सा, और सौते करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच के करीब नमक और इनको मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं ब्रोकली को ऐड करूँगी। ब्रोकली को हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता, इसका फ़ायदा यही होता है कि बस 10 मिनट इसे पानी में ब्लांच कर लीजिए और ब्रोकली खाने के लिए रेडी हो जाती है। तो एक चम्मच के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसको हम स्टीम होने देंगे पानी के साथ, तो एक से दो मिनट इसे कुक कर लीजिए। अब हम लेंगे एक बॉल और उसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच पानी के और एक चम्मच डालेंगे सोया सॉस, एक चम्मच ही डालेंगे कॉर्नफ्लोर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो है स्लरी हमने बना ली है, इसको हमें इसमें ऐड कर देना है ब्रोकली के साथ। तो ये जो स्लरी है ब्रोकली के साथ मिलकर बहुत ही बढ़िया फ्लेवर इसका देता है। तो इसको डालकर बस हमें मिक्स कर लेना है और मिक्स करके इसे हम थोड़ा सा एक से दो मिनट कुक करेंगे। उससे पहले इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल लीजिए एक चम्मच के करीब, और आधा चम्मच मैंने डाला है काली मिर्च पाउडर, और बस इनको अब हम मिक्स कर देंगे और एक से दो मिनट इन्हें कुक होने देंगे। थोड़े से चिली फ्लेक्स भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा चटपटा ये लगे राइस। तो देखिए अब अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें एक बड़ा बॉल स्टीम किया हुआ राइस, और राइस डाल के बस मिक्स कर देना है और ब्रोकली राइस बनकर तैयार हो चुके हैं। राइस को आप 3 से 4 घंटे पहले बनाकर रख दीजिए तो खिले के लिए बनकर रेडी होते हैं। तो गाइस आपने देखा राइस हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम थोड़ा सा गार्लिक को रोस्ट करेंगे इसको गार्निश करने के लिए। तो एक चम्मच ऑयल में थोड़ा सा बारीक गार्लिक कट करके डाल लीजिए और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लीजिए। तो बस रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है, अब इसे करते हैं हम गर्मा गर्म सर्व। तो गाइज आपने देखा कितना आसान था इसको बनाना, एकदम नए फ्लेवरफुल और हेल्दी ये राइस हैं। अगर नॉर्मल राइस खाकर बोर चुके हैं तो ये रेसिपी आप ट्राई कीजिए, बहुत ही पसंद आएगी आपको। और आपने देखा केवल 10 मिनट भी नहीं लगते इसको बनाने में, ऊपर से गार्निश कर लीजिए गार्लिक से। ब्रोकली के फायदे मैंने आपको बताए ही हैं। और गाइज रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो चैनल डाइटिशियन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज के लिए। तब तक एंजॉय ब्रोकली राइस। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।